वेल हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही सर्दी आती है हम लोगों का एक प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा हमारा स्किन ड्राई हो जाता है और तुरंत तुरंत आप कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई भी लोशन लगाएं फिर से थोड़ी देर बाद उसकी नीड हो जाती है। तो इसके लिए आज एक ऐसा मॉइस्चराइज़र बनाएंगे घर के चीज़ों से जो हमारा स्किन को भूखा नहीं रहेगा, बिल्कुल भी अनइजी फील नहीं होगा और बहुत लंबे समय तक हम लोग अपने लंबे समय तक फ्रेश और सॉफ्ट फील करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं किन किन चीज़ों से और एक बढ़िया सा मॉइस्चराइज़र हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग को मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ कटोरी और एक चम्मच चाहिए। आप जितना क्वांटिटी में बना सकते हैं उतने के लिए उस टाइप का बर्तन ले सकते हैं, बट इसको साफ सुथरा रखें क्योंकि ये हमारे स्किन में, बॉडी में किसी भी जगह लगा सकते हैं जिससे हम लोग को इफ़ेक्ट ना हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम लोग एलोवेरा जेल। आपके पास एलोवेरा प्लांट है तो आप फ्रेश भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप बाजार से भी एलोवेरा ले सकते हैं। तो इसके लिए लेंगे हम लोग 2 टेबल स्पून एलोवेरा, जो हम ये है ग्रिसलीन, जो हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रखता है और जो भी ड्राइनेस होता है उसको ख़त्म करता है। तो ये ग्रिसलीन हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये भी लेंगे हम लोग 2 टेबल स्पून। जितना क्वांटिटी में हम लोग एलोवेरा लेंगे उतने क्वांटिटी में हम लोग को ग्रिसलीन लेना है। तो ये हमारा 2 चम्मच ग्रिसलीन, और इसी के साथ हम लोग लेंगे, आप चाहे तो रोगन बादाम तेल भी ले सकते हैं, नहीं तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, हमारे स्किन को ड्राई नहीं होने देता है, सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। तो इसके लिए 1 चम्मच इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल, और हमारा लास्ट है ये विटामिन ई की कैप्सूल इवियन की, ये हमारा 400 mg है तो इसको लेना है। ये कम से कम 4 लेंगे इवियन टैबलेट, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी को, स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इसके लिए और हमारे स्किन को ड्राई नहीं होने देता है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें 4 टैबलेट डालेंगे। और ये हमारा सारा इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो चुका है। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए हमारा मॉइस्चराइजर रेडी हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया, इट मीन्स कि ये बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइज़र हमारा बनके रेडी हो गया है। अब इसको बॉडी पे आप कहीं भी लगा सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मॉइस्चराइज़र हो गया है रेडी। अब इसको एक साफ सुथरा बर्तन में, साफ सुथरे डब्बे में हम लोग को ट्रांसफ़र कर लेना है। आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं, बट आई होप कि जब भी आप ये मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो इतना तो मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग फिर घर में ही ये मॉइस्चराइज़र बना के लगाना शुरू कर देंगे, इतना बढ़िया रिजल्ट होता है इसका। तो देखिए हमारा मॉइस्चराइज़र हो गया है रेडी। सो फ्रेंड्स, यदि आप लोग को भी इसी तरीके से मॉइस्चराइज़र बनाना है घर के बहुत कम चीज़ों से जो हमारे घर में अवेलेबल होता ही है, और हमारा स्किन हो जाए शाइनी स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग, तो एक बार इस मॉइस्चराइज़र को ज़रूर बनाएं। आई प्रॉमिस कि दोबारा आप लोग ये बनाएंगे, लगाएंगे और अपने स्किन का केयर अच्छे से करेंगे। तो हमारा वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखा हुआ है। तो
तो फिर से मिलते हैं एक अगले वीडियो में।